हेलो चिल्ड्रन, आज हम जा रहे हैं वसा का परीक्षण करने के लिए। हम देखे तो कि हम जितनी सारी चीजें खाते हैं उनमें वसा किन में होती है। अब तक आप ये जान चुके हैं ना कि वसा तो कॉन्सेंट्रेटेड स्टोर है एनर्जी का, यानी कि वसा हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में डिफरेंट फूड सैंपल्स दिए हैं, जैसे कि चीनी, दाल, काजू, चावल, मूंगफली और मक्खन। तो इन फूड सैंपल्स में अब हम टेस्ट करेंगे कि वसा किस में है। तो सबसे पहले हम चीनी लेते हैं। हमने एक व्हाइट पेपर लेना है और उसके अंदर हमने थोड़ी सी चीनी रखनी है। इस पेपर को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसकी मदद से हम इसको पीसेंगे। चीनी पूरी तरह से पिस चुकी है। जब चीनी पूरी तरह से पिस जाएगी तो उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है और इस सैंपल को, इस पेपर को हमने यहां पर रख देना है। सेकंड हम ले रहे हैं काजू। मैंने एक काजू लिया, उसको रैप करना है। उसके बाद हम लेंगे दाल। फिर मूंगफली। चावल और फिर लास्ट हमने लेना है मक्खन। हम डिप करेंगे, सिंपली स्प्रेड अ वेरी लिटिल, बहुत हल्का सा मक्खन हमने स्प्रेड करके रख देना है। अब हम जो हमने पेपर्स दिए थे उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने चीनी लिया था। चीनी के ऊपर हमें कोई भी अभी स्टेन नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमने काजू लिया है, हमें हल्के हल्के इसके ऊपर ऑयल के स्टेन्स, तैलीय धब्बे दिख रहे हैं। दाल पर हमें कोई स्टेन नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं ध्यान से। मूंगफली में देखिए काफी सारा तैलीय धब्बा आपको दिखाई दे रहा है। चावल पर दिख रहा है बच्चों कोई स्टेन? नहीं। और मक्खन पर, इस पे आपको काफी सारा जो है ऑयली स्पॉट, ये कागज जो है वो चिकना हो चुका है। इसको हम और भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कैंडल लाइट में। इसके लिए हम एक कैंडल को जलाएंगे। देखिए इसमें से आपको लाइट पास होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो कागज है, चिकना कागज, एक पारभासी वस्तु की तरह काम करता है। इसी तरह से जिसके हमें ऑयलिंग स्टेन्स मिले थे, जैसे कि मूंगफली, आपको इसमें से लाइट भी जाती हुई दिखाई दे रही है ना बच्चों, क्योंकि ये कागज चिकना हो चुका है और एक पारभासी वस्तु की तरह काम कर रहा है। उसके बाद मक्खन, इसमें से भी आपको लाइट पास होती हुई दिखाई दे रही है ना, पारभासी सोर्स की तरह काम करेगा ये भी। लेकिन क्या चीनी के कागज में लाइट पास होती हुई दिख रही है आपको? और चावल में और दाल में?
इसका मतलब हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो वसा वाले खाद्य स्रोत होते हैं, जिनमें वसा होती है, अगर हम उसका पेपर टेस्ट करेंगे तो वो उस कागज को चिकना कर देंगे। जैसे कि किसने क्या, मूंगफली ने, काजू ने और मक्खन ने। तो बच्चों इनमें वसा होती है और वसा बहुत ज्यादा हमें एनर्जी देता है। और बच्चों आपको पता है कि सर्दियों में हम मूंगफली खाते हैं ना, सभी सबको बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि मूंगफली जो है उसमें काफी फैट होता है, काफी वसा होती है, जैसे कि आप सबने अभी देखा। और मूंगफली खाने से हमारा जो फैट है उसके अंदर का वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। कहाँ पर पता है? ये हमारी स्किन होती है ना, स्किन के बिल्कुल नीचे फैट की एक लेयर बन जाती है और यही फैट की लेयर बिल्कुल इंसुलेटर का काम करती है और हमें यदि हमारी बॉडी की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे हमें ठंड कम लगती है, जैसे कि स्वेटर वगैरह काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। आप जो भी खाते हैं वो कोई भी फूड सैंपल्स लीजिए और इसी तरह से जैसे मैंने किया है, सॉलिड को कूट के और लिक्विड जैसे सेमी सॉलिड को आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि उनमें वसा है या नहीं। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।